Hello everyone, in today's video we are going to discuss the central idea of the poem Roadside Stand by Robert Frost. Before starting this video, I have a small request. Please watch this video till the end. So without further ado, let's get started. Central idea of the poem, the main idea of the poem Roadside Stand by Robert Frost is that life is short and human creation don't last forever. So this line means main idea of the roadside stand jo Robert Frost dwara likha gaya hai isme bataya gaya hai insaan ka life jo hai chota hota hai aur insaan jati ya human creation jo hai amar nahi reh sakta, they don't last forever. The poem shows the difference between the lasting land and the temporary stand which represents human actions. So is poem mein hame दो डिफरेंस मिलते हैं, एक डिफरेंट है लास्टिंग लैंड एंड दूसरी और है हमारा टेम्पररी स्टैंड। टेम्पररी स्टैंड का मतलब जो एक स्टॉल रोड पे लगाया रहता है, इसी तरीके से जो टेम्पररी स्टॉल जो दुकान रोड के साइड में जो लोग दुकान लगाते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। ह्यूमन का जो एक्शन जो है ऐसे ही है, इट्स सिमिलर टू ह्यूमन एक्शंस। यूजिंग क्लियर पिक्चर्स एंड थॉटफुल tone, Frost implies that even though we try to make something permanent, it all eventually disappears and goes back to nature. So इस line में Robert Frost बताते हैं कि उसके लिखने की जो टोन जो है, tonality वो thoughtful है, और Robert Frost यहाँ पे बहुत सारी imageries use करते हैं, clear pictures दिखलाते हैं readers को। And Robert Frost हमें ये बताना चाहते हैं कि चाहे हम जितना ही कोशिश कर लें इस अर्थ पे परमानेंटली रहने की, लेकिन हमें इवेंचुअली अंत में हमें इस जगह को छोड़ना ही होता है। जिस तरीके से यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक स्टॉल का माध्यम से हमें बताया, स्टॉल में दिन के समय वो स्टॉल लगते हैं और रात में वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंड जो है वो लैंड एज इट इज रहता है, परमानेंट रहता है, लेकिन वो स्टॉल कुछ क्षण के लिए ही वहाँ पर रहता है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी हम चाहे जितना ही परमानेंट तरीके से रहने की कोशिश करें, लेकिन इवेंचुअली हमें उस जगह को छोड़ना ही पड़ता है, इस जगह को, इस प्लेस को, इस अर्थ को छोड़ना ही पड़ता है। इन द एंड द पोम एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट हाउ लाइफ इज शॉर्ट एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। और अंत में हमें पोयम एनकरेज करते हैं कि हमने लाइफ कितना छोटा है और ये दुनिया कितना सुंदर है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए हमें एनकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।